हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर, समाज खबर हिंदी टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे कई बार वीरेंद्र चौधरी नगर सेवक का इंटरव्यू आया, जहां पे वो दिखाई देते हैं हमेशा राशन बांटते हुए या खाना बांटते हुए। लेकिन उनकी राज में वहां की जनता खुश नहीं है। कई लोगों की कंप्लेन है कि उनके कार्यकर्ता अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को ही राशन का कूपन प्रोवाइड करते हैं, हर किसी को नहीं मिलता, ज़रूरतमंदों को नहीं मिलता। हमारे पास कई बार इसके कॉल भी आए हैं और कई लोगों ने रुककर भी इसकी शिकायत की। इसकी जांच के लिए हमारी टीम ने कल नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी जब राशन बांट रहे थे, जो लोग लाइन में खड़े थे उनसे हमने बातचीत की। देखिए आप, हमने उनसे क्या बात की और वो क्या जवाब दे रहे हैं। नहीं नहीं, सबको धीरे धीरे बोलेगा। हमारे को जहाँ तक इन्फॉर्मेशन दी गई, जो हमने न्यूज चलाई कई बार, हमको ये कहना चाहते हैं, लोगों का कहना होता है कि वीरेंद्र चौधरी के कार्यकर्ता अपने लोगों को देते, सभी लोगों तक नहीं पहुँचता। ऐसी अफवाह फैलाने वाले एकदम निराधार अफवाह फैला रहे हैं। मैंने खुद, जो लोग ये बात बोलते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को खाली देते हैं, मैंने उनके सोसाइटी में, उनके एरिया में जाके मैंने नाम लिखा है। ऐसा हर एक गरीब जरूरतमंद लोगों को राशन पहुंचाने का काम माननीय आमदार असलम शेख साहब की ओर से और नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी जी की ओर से किया जा रहा है। कीचड़ उछालने वाले लोग हमेशा कीचड़ ही उछालेंगे, वो अपनी मानसिकता से ऊपर नहीं उभर सकते हैं। आज आप देख सकते हो, खुद यहाँ आम जनता, ये सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, आम जनता है, जिनको हर समय पे हमारे नगर सेवक साहब, असलम शेख साहब, एमएलए साहब जरूरतमंदों के लिए राशन मुहैया करा रहे हैं, खाने पीने का सामान मुहैया करा रहे हैं। अभी रमजान महीना लगा है, अफतारी लोगों को महानगर पालिका द्वारा आ रहा है, घर घर पे पहुंचाया जा रहा है। इसमें कोई पार्टी लेवल पे किसी का कुछ लेना देना नहीं है। हर धर्म के हर जात की पब्लिक आती है यहाँ राशन लेती है। बोलने वाला तो अफवाह फैलाई गई, लेकिन अफवाह पे कोई गौर नहीं करता। हमको भी फर्क नहीं पड़ता है, वीरेन भाई जो कर रहे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और वीरेन भाई को दबाने के लिए जाएगा तो भाई हम भी नहीं पीछे हटेंगे। जो आदमी हमारे लिए खड़ा है, हम उसके लिए खड़े ले, उसका टेंशन नहीं हमारे को। देखो, ये पब्लिक है, ये क्या हमारा भाई है, ये हमारा भाई है, कोई नहीं, कोई हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन सबको राशन बराबर मिल रहा है। लेकिन बोलने वाला क्या बोलता है, बोले भाई वीरेन भाई ये कर रहा है, वो कर रहा है। आदमी को मत देखो, उनके काम को देखो, हम तो उसके काम को देख रहे हैं भाई। भले वो उसका आदमी कुछ भी बोले, लेकिन हम उसके काम को देख रहे हैं। हमारे को तो बहुत, हमने एक एक जगह पे और कई कई बहुत जगह पे राशन बांटे। यहाँ अफतारी का सामान आता है, अफतारी देते हैं, और खाने का आता है, एनी टाइम खाना आ रहा है। इसमें हमारा कौन रहा है, देखो ना, हर जान का आदमी है, लेकिन भड़काने वाला है। उसको पूछो, उसने कितने जन को बांटा, उसने कितने घर को बांटा। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे वीरेंद्र चौधरी, हमारे मंत्री असलम शेख की मार्गदर्शन इतना तेज काम करे आने वाले समय में, ऐसा कोई कार्यकर्ता काम नहीं, ऐसा कोई नहीं काम। हमारे वीरेंद्र चौधरी आज पूरे लाखों आदमी, गरीबों आदमी को राशन वितरण कर रहे हैं, ये अफवाह है। दूसरा जो यम नगर अफवाह है, हमारे आज कार्यकर्ता सब मिले हुए यहाँ ये गलत बात है। मैं डेली यहाँ से दोनों टाइम खाना ले जाके मेरे एरिया में बांट रहा हूँ। डेली का खाना आता है यहाँ पे, अंदर भाई क्या होता था यार, ये ले जाके मैं दोनों टाइम वहाँ बांट रहा हूँ। कोई ऐसी बात नहीं, अभी अफतारी जब से रमजान शुरू हुआ, अफतारी जा रहा है, अफतारी पूरे एरिया में बांट रहा हूँ। ये गलत बात है, ये मैं मानू कहीं नहीं। देखो, कुछ अपोजिशन के लिए बोलते हैं, ये बात करते हैं, लेकिन वीरेंद्र भाई की तरफ से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज़ बाकायदा मिलता है, यहाँ तक की जो जरूरतमंद है मेरे साथ में जा जाके उनके घर में कूपन भी दिए। हो भाई साहब, आप लोग को ऐसा लग रहा है ना कि वीरेंद्र चौधरी को नहीं, ये छोटे छोटे बच्चे, इनकी हालत देखो, इनको घर से बुला के राशन दिया जा रहा है। तुम्हारा बेटा आसिफ नाम है, कहाँ पे रहते हो? पास नंबर
पांच नंबर मालूम में रहते आपको किसने बताया क्या परेशान चालू करो। अरे छोटा छोटा बच्चा बोलेगा वीरेन भाई के बारे में, आप लोग किसके भाई का हुए मत जाओ। हमको दोनों टाइम और तीनों टाइम रफ्तारी का सामान आता है, खाना आता है, गरीबों को हम बांटते हैं और हम भी लेके जाते हैं। कोई सवाल कोई जवाब नहीं पूछा जा रहा बच्चे लोग से। इंद्र भाई की जितने भी आदमी जो काम करते हैं ना, उन्होंने हमारे को एक कार्ड घर पे रखे थे। कार्ड हम लोग यहाँ पे हासिल है। आपका कोई पहले से जान पहचान था? नहीं नहीं, कोई जान पहचान नहीं। नगर सेवक को मिले कोई नहीं मिले। ये मर में रहते हैं, मालूनी में रहते हैं, हमारी कार्ड से पहचान। अरे भाई वो मर से आते हैं, हम मालूनी में रहते हैं। बोलो ना, वीरेंद्र चौधरी के बारे में हमने वाला पढ़ा कि बराबर काम नहीं करते लोगों को। सब कुछ हो रहा है, सब अच्छा ही हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सब अच्छा ही हो रहा है। देख लीजिए आप लोग के सामने है ये लाइन है, आप इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, हम बताएंगे आपको लाइन के बारे में। फ्री में राशन वो बांट रहे हैं, ये लाइन है। हाँ ये लाइन है, इधर से जो ये कोई किसी का मजहब का इंसान नहीं है, सब इंसान है, सबको राशन। हाँ कोई मुस्लिम कोई हिंदू ही देखा जा रहा है इसमें, जो है सबको सबको राशन दिया जा रहा है। कोई जरूरतमंद आदमी है उसके लिए किया जा रहा है। आपको ए लोगो किसी को तकलीफ न हो। आप कहाँ से आए हैं? आपका नाम पूरा? हमारा नगर सेवक कैसा है? एक मिनट सर, आप कहिए भाई। हमको ये दिया बताया गया कि नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी बराबर काम नहीं करते, लोगों को राशन बराबर नहीं पहुंच रहा है। उनके जो कार्यकर्ता राशन पहुंचाते हैं वो अपने रिश्तेदारों की अपने जान पहचान लोगों को ज़्यादा देते हैं। इसके बारे में आप कुछ बताओ कि आपको कैसे मिला? सोसाइटी की तरफ से मिला। क्या सोसाइटी का नाम है आपके? कौन है वहाँ के प्रेसिडेंट? मेन कौन है आपका वहाँ के अध्यक्ष कौन है? हाँ भैया विकास करके। हमें बताया गया कि वीरेंद्र चौधरी जो नगर सेवक है वार्ड 33 के, ये बराबर काम नहीं करते हैं। खाना ना बराबर लोगों को मिल रहा है, ना इफ्तारी मिल रहा है, ना राशन मिल रहा है। इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? ये तो अच्छा काम कर रहा है, ऐसा कोई नगर सेवक भी नहीं किया। आप इससे खुश है? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? आपका पूरा नाम क्या है? दत्ता ढोसर। कहाँ रहते हैं आप? मैं राठौड़ी। राठौड़ी में रहते हैं। यहाँ पे आपको कूपन किसने दिया आने के लिए? ये हमारे पिंटू भाई। उन यही लोगों का कहना है कि जो खास इनके जो कार्यकर्ता है वो अपने रिश्तेदारों नहीं, नहीं, उन्होंने तो अभी, तक नहीं अभी क्या किया, सब सोसाइटी में बांटा। सब सोसाइटी में बांटा। आपकी क्या सोसाइटी का नाम है? शिव गर्जन अवेलपुर सोसाइटी। कौन है उसके प्रेसिडेंट? मैं हूं। आप ही प्रेसिडेंट हो, इसलिए आपको दिया गया, मतलब बाकी लोगों को भी मिला है? सब मेरे। आप कौन से सोसाइटी के? भाई हमको ऐसा बताया गया कि नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी जो आपके यहाँ एरिया के हैं वो बराबर काम नहीं करते हैं, ना तो लोगों को राशन बराबर पहुंच रहा है, ना तो खाना पहुंचाया जा रहा है, ना तो इफ्तारी दी जा रही है, काफी लोग दुखी हैं। और तेरा तो मिल कैसे रहा? तो आप जवाब दीजिए, हमको ऐसा बताया गया है, लेकिन इस बारे में आप हमें बताइए। खाना भी बट रहा है यहाँ पे। आपका क्या नाम है? कार्ड दिखाओ। सुशील राम सर। चलो आगे चलो आगे चलो आगे बताइए। आप बताइए, हमने जो बताया गया कि भाई आपके नगर से काम नहीं करते, राशन नहीं पहुंचता है, कुछ भैया नहीं पहुंचता है। ठीक, मैं सिलाई का काम करता हूँ भाई साहब। ठीक, कितने दिन हो गए बंदा बंद हुआ? अभी दो महीना हुआ यहाँ पे आए हुए। ठीक, और दो महीना यहाँ बंद हो चुका है। बहुत ये मालूनी मतलब आजमी नगर में, आजमी नगर में रहता हूँ। क्या नाम आपकी सोसाइटी? मेरा नाम सोसाइटी का नाम मालूनी है, उसको क्या कहते हैं, इमाम बाड़ा रोड पे हूँ भाई। तो आपको खाना नहीं पहुँच रहा है? खाना वाना भैया तो वही खिचड़ी थोड़ी जाती है, तो कितना पेट भर लेंगे? हमारे बच्चे हैं, सात बच्चे हैं, हम या बीबी हैं, बताओ तो कितना भैया खर्चा है? तो जितने लोग रहते हैं सबके लिए खाना ले लो, यहाँ खाना आता है ऐसा हमको बताया गया। अगर आपको नहीं मिल रहा है मतलब ये लोग झूठ बोल रहे हैं सब लोग। हम ये कहना चाह रहे हैं लोग झूठ बोलते हैं, अपना पब्लिसिटी फालतू में करते हैं, सच्चाई लोगों तक नहीं पहुँच रही है। अरे राशन वासन भैया कहीं से कोई एक दाना भी नहीं मिलता। मैं खाने की बात करूँ, खाने पे बात कीजिए, खाना आपको नहीं मिलता है? हाँ खाना वाना भैया कुछ नहीं मिलता भाई। वीरेंद्र चौधरी को बोलो इनको खाना, इनका नाम नंबर लो, स्पेशली खाना पहुँचना चाहिए।
ठीक है, आपका नंबर दे और लो ना भाई, नंबर ले लो बोलो। फिलहाल हम 33 वोट देख रहे हैं क्योंकि हमें बताया गया है राशन बांटा जा रहा है तो नाटक होता जाता है राशन बांटने का उसमें। कैसे करते हैं ऐसा नहीं कि हमारी प्राइवेट गाड़ी है, हाँ अपने पैसे का पेट्रोल लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं ऑफिस में तो हमको खाना मिलता है 250-300 पैकेट रोज मिलता है, कभी 19-20 होता है क्योंकि बहुत सारे आदमी बांटने वाले हैं और पूरा एरिया मतलब भूखा है। आप इनके कार्यकर्ता हो क्या? मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ भाई, मैं आम पब्लिक हूँ, आकाशवाणी गरीब नवाज सोसाइटी में रहता हूँ, आपको दो बार बोल चुका। आप अपनी सोसाइटी में कोई परेशान ना रहे उसके लिए यहाँ से आके खाना, इसके लिए हम लोग यहाँ से ले जाकर आज से नहीं, आपको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं होती भाई, आसानी से मिलता है, हमारा नाम लिखा हुआ है आसानी से, जो बांटने वाले उनका नाम लिखा है, कभी 19-20 होता है, कभी मतलब कैसा 10 डब्बा कम मिलता है, कभी ज़्यादा मिल जाता है, 19-20 होता है, लेकिन खाना एकदम रेगुलर इधर से मिलता है जब से लॉकडाउन। आपको अपने नगर सेवक से कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं है। आप खुश हैं? खुश हूँ, खुश हूँ एकदम खुश। श्री असलम देख की तरफ से, मेरी तरफ से कोई आदमी भूखा सोएगा नहीं, हर एक को जिसको घर जरूरतमंद है उसको आना मिलेगा, दो दिन के बाद कूपन दूंगा, वापस आना सबको मिल जाएगा। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666477110। धन्यवाद।